सो गाइस थंबनेल पे आप लोग इसलिए क्लिक किए हैं क्योंकि जब भी फेस को स्मूथ करने जाते हैं मेरे जैसा, आप लोग यही सोचते हैं कि आर्टिस्ट भैया आपके जैसा हम कब एडिटिंग सीखें। सो मेरी जान वो टाइम आ चुका है, वो वीडियो लेकर के आ चुके हैं जब आप लोग फेस को स्मूथ करेंगे मेरे जैसा तो आप लोग के फेस के ऊपर यहाँ यहाँ पे ब्लैक आ जाता होगा। लेकिन आज इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेंगे तो आप लोग के फेस के ऊपर कभी भी ब्लैक आने का कोई चांस नहीं है। अगर विश्वास होगा मेरे ऊपर तभी आप लोग वीडियो को देखिएगा, अन्यथा वीडियो को अभी से छोड़ करके चले जाइए। तो वीडियो को आने पर लाइक कर दीजिएगा एंड 2023 का सबसे बेस्ट वीडियो है फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग। तो चले जान बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो जान ऐसा एडिटिंग करने के लिए ना बहुत लोग को सोचना पड़ेगा कि RDX भाई कैसे पूरा फुल HD हाई क्वालिटी एडिटिंग कर लेता है। लेकिन हाँ मेरी जान आप लोग को सोचना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप लोग बहुत ही कम टाइम में वन क्लिक में सेम RDX भाई के जैसा आप लोग फोटो को फेस को स्मूथ करना एंड फोटो को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाना सीख जाएंगे। बस आप लोग को क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना होगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों ओरिजिनल फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एंड बहुत ही स्लो मोशन में एंड हल्के हाथों से जो मैं एडिटिंग स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ शायद आप लोग जानते होंगे। ओके जाने मन। सो दोस्तों शेयर करने बाद सिंपली यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर एक पेंसिल आइकन रहता है एंड उसके बगल में एक कलरफुल रहता है, उसके बगल में एक लेयर वाला ऑप्शन रहता है। तो आप लोग को लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके एक प्यारा सा लेयर बना लेना होगा। ओके जान इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सो दोस्तों इतना करने के बाद अब आप लोग को फिर से पेंसिल आइकन पे चले जाना होगा एंड यहाँ पे एक आप लोग को ब्रश मिल जाएगा, ठीक है जान। इस ब्रश को आप लोग को यूज करके सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा एंड यहाँ पे आप लोग को स्मोज, ओके स्मोज पे क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ पे आप लोग को ग्लो, ठीक है ग्लो पे क्लिक करके आप लोग को आ जाना होगा यहाँ पे देखिए कलर वाले ऑप्शन पे। सो दोस्तों यहाँ पे भी बहुत ही सेटिंग रहता है, ठीक है बहुत सारा सेटिंग रहता है। आप लोग पता नहीं कौन सा सेटिंग यूज करते हैं जिससे आप लोग का फेस खराब हो जाता है, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ उसको यूज करेंगे तो बहुत ही एक हाई लेवल का फोटो आप लोग का बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग को ये मैच कराना होगा कि देख लीजिए आपका फेस कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हमारे फेस के ऊपर मैच करेगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे होगा लास्ट में। यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देते हैं, ये वाला आप लोग को सेलेक्ट कर लेना होगा, फिर से यहाँ पे देख लीजिए, फिर से आप लोग को आइसोलेशन पे आकर के एंड जो आप लोग लेयर बनाए होंगे लेयर पे क्लिक करके नॉर्मल पे आ जाइएगा, सॉफ्ट लाइट कर लीजिएगा। आप लोग सॉफ्ट लाइट करने का कुछ इस तरीके से फोटो को जूम करके एंड उसके बाद आप लोग हल्के हाथों से मेरी जानना जैसे आप लोग फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे भाई, जितना ओपी एडिटिंग में सिखाने का कोशिश करता हूँ ना उससे एक हाई लेवल का आप लोगों को मैं एडिटर बना दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का फेस बहुत ज़्यादा ब्लैक है एंड उसके बगल में जैसे हम ब्रश को अप्लाई करें तो कितना औसम तरीके से वाइट वाइट होना स्टार्ट हो जा रहा है। एंड यहाँ पे दूसरा अगर आप लोग को यूट्यूबर कोई एडिटिंग सिखाता ना मेरी जान तो यहाँ पे ऐसा कहता चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर लेते हैं, लेकिन ना यार RDX भाई सेम आप लोग को रियल एडिटिंग सिखाता है। बस आप लोग को शुरू से लेकर के वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, ओके मेरी जान। एंड हाँ लास्ट में जो आप लोग को एडिटिंग टिप्स बताने वाले हैं जो एक नेक्स्ट लेवल का है जो आप लोग को फोटो में क्वालिटी डाल देगा, तो वीडियो कहीं पे भी आप लोग को मिस नहीं करना है। जो जो मैं स्टेप बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीका एंड स्लो मोशन में सिखाएंगे ताकि एक हाँ एक नेक्स्ट लेवल का आप लोग को समझ में आए एंड आप लोग मेरे जैसा एडिटिंग करना फेस को स्मूथ करना एक हाई लेवल का सीख जाएं। ओके जान तो यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से आप लोग को करना होगा। और मैं यहाँ पे चाहता तो वीडियो को फास्ट कर देता लेकिन नहीं मेरी जान वीडियो को मैं यहाँ पे फास्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं आप लोग को अच्छे से सिखाऊंगा एडिटिंग जो एक समझ में आए आप लोग को और मेरे जैसा आप लोग फोटो को बनाना सीख जाएं, ठीक है जान। तो यहाँ पे देख लीजिए फटाफट मैं अप्लाई कर लेता हूँ एंड आप लोग को भी कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गला बच गया है तो इसको भी हम लोग ठीक कर लेते हैं एंड हल्का हल्का सा कहीं पे बच गया होगा तो उसको हम लोग लास्ट में मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। इतना हो गया ना, इतना होने के बाद अब आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे आइसोलेशन पे आकर के शेयर पे क्लिक कर देना होगा, सेफ्टी डिवाइस पे क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा गैलरी में। ओके हाँ तो जान इतना करना हो सिंपली इस फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना। एंड आप लोग भी शेयर कर लीजिएगा, शेयर करने का सिंपली यहाँ पे आप लोग को देखिएगा जो जो मैं टूल्स बताऊंगा अच्छे से आप लोग को फोकस करना होगा। पेंसिल आइकन पे आ जाइएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग एक ब्रश वाला आइकन मिल जाएगा एंड एक्सपोजर 0.3 करके एंड जहाँ जहाँ पे हल्का हल्का सा ब्लैक होगा, ठीक है ना, वहाँ वहाँ पे सिर्फ आप लोग को अच्छे से अप्लाई करना है एंड यहाँ पे 0.7 करके आप लोग अगर अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आप लोग का फेस अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो मैं क्वालिटी डाल करके स्मूथ करके फेस को दिखाने वाला हूँ। इतना करना सिंपली आप लोग डन करके फिर से पेंसिल आइकन डिटेल्स एंड स्ट्रक्चर को हल्का से माइनस कर देंगे, स्ट्रक्चर को, ठीक है सॉरी,
एंसोरपनी को आप लोग 100 प्लस करके यहाँ से आप लोग को डन कर लेना है। फिर से आप लोग पेंसिल आइकन पे आ जाइएगा, ट्यूनोइज पे क्लिक करके एम्बियंस को हल्का सा बढ़ा लेना होगा, तो मैक्सिमम 40 प्लस। हाइलाइट्स को मैक्सिमम माइनस कर देंगे तो यहाँ से 19 माइनस। शेडो को हल्का सा बढ़ा लेना होगा तो 36 प्लस करके यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, डन करना सिंपली। अब आप लोग फोटो में क्वालिटी देख लीजिएगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग को फोकस करना होगा, ठीक है जान। बिफोर एंड आफ्टर देखिए, यहाँ पे स्नैपशीट में भी मैं क्वालिटी डाल दिया, बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना सिंपली, इस फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना होगा लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो जाने मन, हम लोग आ चुके हैं लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। एंड यहाँ से कलर लोशन पे आकर के मिक्स पे क्लिक करके येलो टोन एंड ग्रीन टोन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रीन टोन को सेचुरेशन माइनस कर देंगे। एंड यहाँ पे देख लीजिए, येलो टोन को सॉरी किए हम लोग एंड ग्रीन टोन को अभी सेचुरेशन माइनस। फिर से आप लोग इसोलेशन पे आकर के ल्यूमिनस को बढ़ा लेना होगा एंड सेचुरेशन को हल्का सा माइनस कर देंगे तो 31 माइनस। फिर से फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आकर के ल्यूमिनस को हल्का सा बढ़ा लेना होगा एंड ह्यू को हल्का सा कम कर देना होगा। एंड आप लोग फोटो में क्वालिटी देख ही सकते हैं, एक बार दिखाने का कोशिश मैं करता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है जान। एंड यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे आ गया है ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे देख लीजिए, इसको अगर आप लोग रिमूव करना है तो यहाँ से आप लोग इस सॉल्यूशन पे आकर के प्लस पे एंड ब्रश छोटा सा बिंदु पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। लाइट वाले ऑप्शन पे आकर के एक्सपोजर को आप लोग बढ़ाएंगे, यहाँ से देख सकते हैं, तो हल्का हल्का सा माइनेज होगा, ठीक है। लेकिन इसको मैं एक हाई लेवल तरीके से हटा करके दिखाऊंगा। इतना करना सिंपली, इस फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों, हम लोग फटाफट शेयर कर लेते हैं एंड आप लोग भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है जान। वीडियो को कहीं पे भी मिस नहीं करना है, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे आर्टिस्ट भाई वीडियो समझ नहीं आया। तो यहाँ से फटाफट हम हटा लेते हैं एंड ओरिजिनल फोटो हम लोग का शेयर हो चुका है। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, ये जो ब्लैक पॉइंट है इसको मैं कैसे गायब करूँगा, ठीक है ना। पेंसिल वाला आइकन एंड यही ब्रश हम लोग फिर से यूज करेंगे, जो मैं आप लोग को थंबनेल में दिखाया था सेम वही ब्रश यूज करेंगे। सेटिंग एंड ग्लो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग को स्मूथ कर लेना होगा, ठीक है। स्मूथ कर लेंगे एंड यहाँ पे देख लीजिए, फालो को मैक्सिमम आप लोग को रखना होगा 7 एंड स्टेन को मैक्सिमम आप लोग को 16, साइज आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ओके जान। एंड यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारा ब्लैक है ना, सॉरी जान, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे बहुत सारा ब्लैक है ना, ब्लैक पॉइंट है ना, इसको कैसे हम लोग हटाएंगे, हल्का सा साइज कम कर लेंगे, ठीक है ना जी। एंड कुछ इस तरीके से जैसे मैं स्मूथ कर रहा हूँ, सेम अगर आप लोग इस तरीके से स्मूथ करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कितना ज़्यादा ब्लैक था। जैसे कि मैं यहाँ पे हटा करके दिखाता हूँ एंड यहाँ पे मैं अप्लाई कर दिया तो देखिए यहाँ पे हट चुका है, ठीक है। एंड फेस हम लोग का एक लेवल में स्मूथ होना स्टार्ट हो रहा है। एंड जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक था, यहाँ पे ब्लैक था जो मैं बताया आप लोग को हटाऊँगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे ब्लैक है तो इसको देख लीजिए मैं कितना औसम तरीके से अच्छे से, यहाँ पे देख लीजिए कितना अच्छे तरीके से मैं हटाने का कोशिश कर रहा हूँ। एंड हाँ, हट भी जा रहा है, ठीक है ना जान। एंड मैं आप लोगों को कहीं पे भी वीडियो में घुमाने का कोशिश नहीं करता हूँ, सबसे आसान तरीका यही सोचता हूँ कि मुझसे कोशिश यही रहे कि मैं आसान तरीके में मैं आप लोगों को फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लाऊँ हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आशा करते हैं मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आएगा चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटिंग रिलेटेड से वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच मेरी जान। मिलते हैं नेक्स्ट में बवाल, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू। एंड आप लोग देख सकते हैं कितना औसम तरीके से मैं फेस को स्मूथ कर रहा हूँ एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हाँ मेरे जान, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू एंड हाँ, जय हो सिद्ध बाबा।